उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने लिया बाढ़ का जायजा। फतेहपुर जनपद के किशनपुर घाट में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर आज उपजिलाधिकारी श्री प्रहलाद सिंह व क्षेत्राधिकारी श्री अंशुमान मिश्रा मई फोर्स के किशनपुर घाट का जायजा लेने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस समय यमुना नदी पर लगातार जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर किशनपुर घाट के आसपास के गांवों के लोगों में चिंता व्याप्त है और घाट में चलाई गई सरकारी नाव पर भारी मात्रा में लोग सवार हो जाते हैं, जिससे हादसा होने का डर बना हुआ है। अभी बीते कल एक सवारियों से भरी नाव बहकर दूर चली गई थी, लेकिन किसी तरह एक बड़ा हादसा होते होते बचा, जिसकी शिकायत पर आप आज उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह व क्षेत्राधिकारी श्री अंशुमान मिश्रा मौके पर पहुंचे और घाट का जायजा लिया। उप जिलाधिकारी श्री प्रहलाद सिंह ने बताया कि किशनपुर से बांदा जनपद को जोड़ने वाले इस घाट पर 4 सरकारी बोट चलाए गए हैं, जिससे बांदा जनपद से आने वाले लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। उप जिलाधिकारी ने बताया कि नाव चालकों को भी निर्देशित किया गया है कि नाव पर मानक के अनुसार ही सवारियां बैठाएं, जिससे कोई अनहोनी घटना न हो सके। इस मौके पर थाना किशनपुर से भी पुलिस स्टाफ मौजूद रहा है। इसको देखते हुए आवागमन के लिए क्या सुविधा है? देखिए, जमुना जी में जलस्तर बढ़ रहा है। पूर्व से ही यहाँ पे PWD विभाग की तरफ से ठेका दिया गया है और वो ठेकेदार यहाँ पर 4 नाव लगा करके, जो हमारा जुड़ा हुआ जिला है बांदा जी, उसका कमासिन क्षेत्र से जुड़ता है, वहाँ के लोग हमारे यहाँ किशनपुर खागा तक मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ के लोग आते जाते हैं। 4 नाव बड़ी बड़ी लगा दी गई हैं। ये शिकायत हम लोगों को मिली थी कि जो आने वाले यात्री हैं वो ज़बरदस्ती अधिक संख्या में बैठ जाते हैं, जिससे दुर्घटना के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो अभी हम और क्षेत्राधिकारी खागा जी, मैं क्या नाम इंस्पेक्टर किशनपुर आए थे और यहाँ पे हमारे साथ हमारे AE साहब PWD के हैं, JE साहब हैं, लेखपाल कानून गो हैं। इन लोगों को सतर्क किया गया है कि यहाँ अपने स्टाफ को लगा करके क्षमता से अधिक कदापि कोई व्यक्ति न बैठने पाओ। लिखा पड़ी में ठेकेदार को अपने जिन लोगों को स्टाफ के लोगों को यहाँ लगा रखा उनको हैंडओवर कर दें कि उतने ही लोग नाव में बैठें जितनी उस नाव की क्षमता है। और उसके लिए हमने इनको ये भी कहा है कि आप टोकन की व्यवस्था कर दिए, ताकि कोई जल्दबाजी ना हो, जो व्यक्ति जिस क्रम से आएगा उतने ही लोगों को नाव में उस पार उतार दिया जाएगा, ताकि कहीं कोई दुर्घटना के चांसेस ना रहे। नाव में कुछ मानक भी रखा गया होगा? वो नाव का मानक ये टेक्निकल लोग हैं, इसको तय करेंगे। जैसी बड़ी नाव है उसी हिसाब से यात्रियों की संख्या हमारे AE साहब और JE साहब मिलकर के डिसाइड करेंगे।